दृष्टापने का मैंने अनुभव नहीं करा, जब तक मैंने गुरु के बोले एक एक वचन को अपने ऊपर उतारा नहीं, तब तक मन की अग्नि, चंचलता की अग्नि, जो मन मेरे को रहने नहीं देता है, ख्याल पे ख्याल पे ख्याल पे ख्याल, भले वो अच्छा ख्याल ही क्यों ना हो, पर है तो ख्याल, खालीपन तो नहीं हुआ ना, भारीपन में फिर भी पड़े हैं ना, जब तक मेरे को अपना सत का अनुभव, सत मीन्स प्लीज अंडरस्टैंड, दृष्टा, दृष्टा मीन्स द वन हु नोज इट ऑल, द वन हु नोज it all, it also knows that you are in ignorance, it also knows that you are in a mess, it also knows the reality when spoken to you about, it also helps you get down into that journey and it witnesses that too. समझ में आ रहा है ये कैसे अंदर का layer खुल जाता है जो witness करता है कि layer खुल रहा है कि अरे ये मन में आय का ख्याल भी after all ख्याल ही है, पर उस ख्याल से मेरा पूरा जीवन निकल जाता है, जन्म कितने निकल जाते हैं, तो वो ख्याल मेरे अंदर पत्थर की तरह सॉलिड संस्कार बन जाता है, उसमें इतने सारे पने जुड़े पड़ते हैं, आप पूछो मत, मेरे अंदर में भाभी पना, ननद पना, माँ पना, उम्र का पना, मैं अभी इतने साल का हूँ, इतने ही साल का हूँ, मेरे अंदर में जन्म क्या है, मैं मरूंगा भी भाई, क्योंकि अंदर में है कि मैं जिया भी हूँ, मैंने जन्म भी लिया. प्लीज टेल मी, वर यू अवेयर जब आपने जन्म लिया? नहीं ना, आप बोलो ना अपने लिए, मैं किसी के अंदर से जन्म ही नहीं ले सकता, मैं तो वो दिव्य आत्मा हूँ, मैं तो देवी हूँ, मैं सीधा निराकार से अपने योग शक्ति से मैं साकार रूप में प्रकट हुआ हूँ. तो फिर आप यही शुद्ध विचार करो ना, यही आप शुद्ध निश्चय करो, बोलो मैं हूँ कौन, इतना हम अपने अंदर में भी ऊंचा शब्द दे. प्लीज अंडरस्टैंड, है तो ये मन का ख्याल ही ना कि अरे मैंने जन्म लिया तो मैं मरूंगा भी, इतने सारे पने मेरे उस मैं हूं के साथ जुड़े पड़े हैं, इतना ये पत्थर बन चुका है कि कभी कभी मेरे हाथ से स्लिप भी होता है तो फिर भी वो खत्म नहीं होता. फिर इसको खत्म होने के लिए मुझे अपने शरीर को गुरु शरण में, उनके वाणी के शरण में धर देना है. गुरु की वाणी ही उस समुद्र के पानी का काम करती है जो लगातार पत्थर पे पड़ पड़ के पड़ पड़ के पड़ पड़ के वो पत्थर को भी मिट्टी में वो क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है. इतनी शक्ति है गुरु के वो ज्ञान में, उनके वाणी और वचनों में. इतनी हमारी पहले बुद्धि चलती थी, हर बात को मैं गलत ही साबित करता था. आई हैड जीरो स्ट्रेस taking capacity, I would get involved in anything and everything that my mind wishes to and says ki ye sach hai. Itna main apne prakriti ko sach samajh kar dukhi ho jata tha, malum nahi tha ki dukh to mera swaroop hai hi nahi, dukh to khali ek illusion hai. Are bas karo baba santo, kahe ka main itna hai hai machata hu. Sach mein aap apne swaroop में टिकोगे ना, समझोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कि इन सारी चीजों से आपका कभी कोई संबंध था ही नहीं. आप तो उस लाइट की तरह हो जिसके अंदर जनाजा निकले, पार्टी होए, जन्म होए, मरण होए या सत्संग होए, लाइट कभी कुछ बोलती नहीं, वो खाली अपनी सेवा में है. आप लाइट को बोलो अच्छा तूने तो सब चीज देखी, उसको देखने से भी मतलब नहीं है, वो इतना पक्ष है, वो ही आपका अपना स्वरूप है. आप स्वयं ही वो लाइट हो जो बाहर के अंधेरेपन से भी आपकी लाइट बुझती नहीं है. अरे होनी से भी उस लाइट को कुछ फर्क नहीं होता, अनहोनी को भी बोले कौन, ये सारा मन बुद्धि का ही विषय है जो इन चीजों को मीनिंग देता है. डिड यू अंडरस्टैंड, जो इन चीजों को मीनिंग देता है. अगर फिर भी इतना सब वाणी सुनने के बाद भी, इतना सब अगर आपने विवेक विचार किया भी, you really don't need a second person and third person to tell you where you and I stand. We come to know it in our own system because our own system is perfect.
effect when you are operating from the space of reality, drishtapana, satme, tab aap hi ko andar hi andar malum padta hai, aap hi ko aapka andar wala janayega, are main gutter mein isliye tha kyunki I chose to be so, main khud chal kar jaakar gutter mein baitha, tabhi to jaake mere ko gutter ki badbuu bahut satati thi, gutter ka pani satata tha, jab dekho tab dekho bimari mere ko aati thi, koi na koi मेरे को मान अपमान का अंदर में मेरे को हिला के चला जाता था, शब्द दे के चला जाता था, मेरे अपनों की इतनी टेंशन मेरे अंदर में इतनी खाती है, आप देखो एक तरफ से मैं बोलता हूँ मो देखो संतों, एक तरफ से मेरे अपने वाले जब मेरे को पीड़ा देते हैं ना तो मेरे को समझ में आता है मैं बोलता अरे मैं तो मो मिठा इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी अंदर का मो नहीं जाता। जैसे मैंने आपको एक बार कहानी बताई थी, एक आदमी था उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी, तो जो घर का बेटा था, एक ही बेटा था, उसको इन्होंने इतने प्यार से पाला, अपना सब कुछ दे दाकर इसके पढ़ाई में लगाया, इसकी उन्नति में लगाया, लेकिन जब उस बेटे के कमाने का टाइम आया तो उसने क्या किया, बोला पापा मैं बहुत बिजी रहूंगा तो मैं आपको क्या करता हूँ, ओल्ड एज होम में डाल देता हूँ। बाप की अंदर में ममता इतनी ज्यादा, उनको इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं दी, उसमें भी उनको लगा कि हाय बेचारा मेरा बेटा है ना, सच्ची कोई बात नहीं, मैं ओल्ड एज होम में चला जाता हूँ। फिर उसको वो ओल्ड एज होम में रखा, कितने दिन निकल जाते थे, हफ्ते निकल जाते थे, कभी पिताजी, कभी उनका शरीर कभी खराब होता, कभी वहां से उसको फोन भी जाता तो भी बेटा कुछ ना कुछ बहाना बना देता था, आता नहीं था बाप से मिलने। एक समय आया बहुत महीने भी बीते तो फिर जब बाप ने फोन किया कि बेटा पता नहीं मैं कब तक जीऊंगा, देख तू आके मेरे से मिल के जा, तो बेटे के अंदर में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप मेरे को अपना सारा पैसा, कोई छुपा हुआ धन, कोई अपनी छुपी हुई प्रॉपर्टी देना चाहते हो, इसे तो अच्छा है कि मैं अभी जाके उनसे मिलके आऊं, नहीं तो अगर इनका शरीर चला जाएगा तो मेरे को ये सब कैसे मिलेगा। ये ख्याल उसके अंदर में आया तो उसके कारण उसका शरीर वहां से उठकर अपने बाप के पास गया। आप समझना, वासना मेरे शरीर को हिलाती है, चलाती है, कर्म कराती है, ये मेरे मन के अंदर में वासना ही नहीं है। मेरे को अपने प्रारब्ध पे पूरा विश्वास होए, मेरे को समझ में आए कि सेवा असली धन है, अपने घर वालों की सेवा करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, रिटर्न की इच्छा जो क्या करेगी मेरे को दलदल में वापस लेके आएगी। यू आर एक्चुअली डूइंग अ फेवर टू योर सेल्फ व्हेन यू अंडरस्टैंड द इम्प्लिकेशंस ऑफ अ गुड एक्शन एंड अ रॉन्ग एक्शन, राइट thought and a wrong thought। तो वो तो हमको खाली गुरु जगाता है अंदर से, नहीं तो इंसान खाली अपने स्वार्थ से ही तो लगा पड़ा है, अपनी वासना से ही तो लगा पड़ा है। तो वो सुख की वासना, ये लालच की वासना ने क्या किया, उससे शरीर से कर्म कराया। अब आप जो तीसरा बंदा है वो वासना को तो नहीं जानता, वो क्या देखेगा कि अरे ये बेटा कितना अच्छी बात करता है, अपने बाप से मिलने आया। अब समझो बात की बात में बात है, वो मिलने तो आया, वो बाप को बोलता है चलो मैं आपको ड्राइव पे लेके जाता हूँ, और बाप इतना खुश बोलता है देखो मेरा बेटा इतना बिजी है पर फिर भी मेरे से मिलने आया। और जब वो बाप गाड़ी में बैठा तो बेटे ने बोला हाँ पापा अब आप बताओ कि आपका वो फिक्स डिपॉजिट सब कुछ जो था वो है ना, ये है ना, इतने सवाल करता है उनके पैसे के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए। तो उनके बाप ने बोला बेटा मैंने तो हर चीज तेरे पढ़ाई में लगा दी थी, फिर जब तेरी पढ़ाई खत्म हुई तो तुझे घर चाहिए था तो मैंने अपना घर भी बेच बाच के मैंने तेरे को सेटल कराया, फिर जो भी मेरे पास पैसा था तेरी शादी में वो भी लग गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा सारा धन तो तू ही है। जैसे ही बेटे ने ये बात सुनी उसके अंदर से इतनी विक्षिप्तता आई, इतनी इरिटेशन आई, उसने ऐसे शब्द बोले, बोला पापा यू आर जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, इतना वो चीखा चिल्लाया और बाप को बोला गाड़ी से गेट आउट। कैन यू इमेजिन, ये दृष्टांत नहीं है सन, ये सच्ची बात है, बोला बाप को गेट आउट हो जाओ। बीच रास्ते में वृद्ध अवस्था वाले बंदे को गाड़ी से उतरना पड़ा, सबके सामने वो गाड़ी खोली, बेटा गाड़ी से उतरा भी नहीं और बाप को बोला गेट आउट।
बाप गाड़ी से उतरा और गाड़ी निकल पड़ी। वो कहाँ उतरा, कौन सा रोड है, कौन सा रास्ता है, वो वापस वृद्ध आश्रम कैसे जाएंगे। बेटे को तो उसकी कोई चिंता ही नहीं थी, बाप को भी नहीं मालूम था, पर वो कैसे भी चलते चलाते मदद मांगते वो वृद्ध आश्रम पहुंच भी गया। इतना उस आदमी ने धक्का खाया, 80 साल से ऊपर भी वो उनकी उम्र हो गई थी, इतना धक्का खाया फिर भी अंदर से मोह और उसकी ममता जाते जाते भी नहीं जाती है। इतना रॉक हमारे अंदर में है, इतना पत्थर समान ये मोह मेरे अंदर में पड़ा है कि मेरे को धोखा बंदे नहीं देते संतों, मेरे को धोखा मेरा मोह मेरे को देता है। मैं नहीं बोलती कि हम अपने कर्म प्राणियों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम करें नहीं, जरूर करो, पर किस लिए करो, कैसा करके करो कि अरे बाबा ये तो उनका हक है, करने के भी टाइम थोड़ी हम सुजागी बरते हैं। कितनी सारी बातें हैं, हमको बात समझनी है संतों। मन को फिसलते हुए टाइम नहीं लगता, बंदों से मेरे को दुख नहीं मिलता, दुख कौन मेरे को देता है, मेरा अपना हो, मेरे को रिटर्न की हो ही नहीं ना, मेरे अंदर में रिटर्न की वासना हो ही नहीं ना। अरे क्या है, मैं किसको टाइट पकड़ूं, मैं अपने शरीर को मैं पहले देखूं, अपने जीवन को भी देखूं। उतना करो जितना आपसे हो सकता है, जितना जरूरी है, सारे अंदर की अकल भी हमारे लिए जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जीवन निर्वाह के लिए चारों तरफ का ज्ञान होना जरूरी। दूसरी बात समझना, जब मैं अगेन अपने स्वरूप में आता हूं, मैं इस दृष्टापने को कैच करता हूं, इसकी वाह वाह की गहराई को मैं समझता हूं, अलौकिक है ये सच, कमाल है ये सच कि मैं तो कुछ और हो ही नहीं सकता था, मैं ये 5 फुट 7 इंच का शरीर कैसे हो सकता हूं, मैं चेंजेबल कैसे हो सकता हूं, मैं मौत को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, अरे मैं जिया थोड़ी मरने के लिए हूं, मैं तो हूं ही वो दृष्टा। पर आप सोचो उस महान दृष्टापने को, उस महान दृष्टा को बनाया किसने? पदार्थ को तो आप और मैं रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसको तो मैं कॉपी कर सकता हूं, लेकिन जो चीज नूरानी है, नूर बोला नूर उसको, सत्ता जो नूरानी है वो तो स्वयं वो है ना, वो ही तो निराकार है ना। तो जब मैंने बोला निराकार साकार रूप में प्रकट होता है, तो उसका निराकारत्व खत्म नहीं होता संत, उसी का तो दर्शन हमको कण कण में दिखाई देता है। इस साकार शरीर को थोड़ा ध्यान से देखना, कहां से आपको उसमें मैं की बदबू आती है, आप मेरे को बताओ आप हो किधर, किधर हो आप? क्या अगर आप हो तो आप अपने दिल की धड़कन को बंद होने से रोक नहीं सकते? जब हार्ट अटैक हो रहा होता है तो आप उसको रोक नहीं सकते? जब शरीर में इंडिजेशन होता है तो आप उसको रोक नहीं सकते? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो मशीन आपने कभी बनाई ही नहीं थी, वो आप हो ही नहीं, आप तो वो लाइट हो, खाली लाइट, और लाइट खाली वो रोशनी, जो इंस्ट्रूमेंट जिससे लाइट दिखता है, वो लाइट से भी कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। डिड यू अंडरस्टैंड? बल्ब से जो रोशनी आती है ना संत, उस रोशनी से पूछो भाई तेरी शादी बल्ब के साथ हुई है क्या? रोशनी बोलेगा चुप कर, मेरे को शादी का तो मतलब ही नहीं मालूम है, मैं तो हूं बस हूं। Did you understand? मैं तो जो हूं सो हूं, है ना। ये बोलने के लिए, क्योंकि सत्संग चल रहा है, शब्दों का बोलना जरूरी है, कम्युनिकेशन करना जरूरी है, नहीं तो मन समझेगा कैसे, जानेगा कैसे, जागेगा कैसे? लेकिन सच जो है ना, वो शब्दों से बहुत परे है। ब्रह्म अशब्दी है संत, वहां तक कोई शब्द नहीं जाएगा। ये जो सच है ना, सच का अनुभव जो है ना, वो इतना मीठा है, सच्ची बोलती हूँ। आप बोलोगे हरि ओम शांति, झूठ के साथ पैर कौन गंदा करे, दलदल में जाके कौन मरे, अरे मेरे को मतलब ही नहीं है, ना इस मन से, ना इन ख्यालों से, ना इस रिएक्शन से, ना ही लेने से, ना ही देने से मेरा कभी कोई ना घाटा होता है, ना प्रॉफिट से मेरा कभी कुछ बड़ा होती है, मैं जो हूँ सो हूँ सो हूँ, आज से एंड तक मैं था हूँ और रहूंगा। कितने अनेक जन्म मैंने लिए हैं, पर इन जन्मों से भी मेरा कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बात का अनुभव जरूरी
है, रोजाना जीवन में सफाई लाना जरूरी है, रोजाना अपने मन को इतना हर्ट ना होने दे, इतना गंदगी का संग ना करने दे जो फिर बाद में इसको सफाई करने टाइम आपको बहुत थकान लगे, आपको लगे बहुत देर हो चुकी है, अब पता नहीं कितना टाइम मेरे पास बचा है, संत उस तक की अवस्था लेके आने ही ना दे। रोजाना मेरा मन नया अलौकिकता का अनुभव करे। Why is it so important? मतलब छोटी छोटी बातों पे संत थोड़ा थोड़ा, पहले हम अपने सेवादारी को बहुत बार टोकते थे, अभी थोड़ा बहुत से थोड़ा कम करूं, फिर ये भी हम समझे कि ठीक है ना, उसमें ही मेरा भला होगा, आज उसने नमक कम डाल दिया, अच्छी बात है, शरीर को कम नमक की जरूरत होगी, फिर थोड़ा मन को ओकेनेस में लेके आए, रजा में राजी के भाव में लेके आए। लेकिन इस चेंज को ताकत मिलेगी कहाँ से? इस चेंज को ताकत मिलेगी दो चीजों से संत, एक है आप ही के सत्य के अनुभव से और दूसरा आपके मन के निश्चय से। किन दो चीजों से आपके मन को ताकत मिलेगी अपने स्वभाव को चेंज करने के लिए? बोलो संतों, दो चीजों से। एक, आप ही के सत्य के अनुभव से संत, लग लगे की तरह लग जाओ। क्या बोला, हम छोड़ते नहीं है ना सब्जी को जब तक वो पक नहीं जाती, क्योंकि पकेगी नहीं तो मेरा भूख का क्या होगा, क्योंकि कच्ची सब्जी हजम नहीं होगी। जब हर रोजाना जीवन में भी हम इतना टाइम लगाते हैं, देखो अन्न को मुख के अंदर डालने में हमको मुश्किल से थोड़े मिनट लगते हैं, पर उस अन्न को अच्छी तरीके से पकाने में बनने में कितना समय हमारा जाता है। ऐसे ही आनंद का अनुभव तो मेरे साथ जुड़ा ही पड़ा है, लेकिन उस आनंद के अनुभव के लिए हमारे पास कई सीढ़ियां हैं, कई सीढ़ियां हैं। फिर आप बोलोगे, दीदी वो सीढ़ी में कब तक चढ़ूंगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं तो पता नहीं अब कब तक चढ़ूंगा। संतो, श्रद्धा से गुरु का वचन इसका सेवन किया, दो मिनटों के अंदर, दो मिनट भी बोलने में टाइम लगता है, लेकिन उससे भी कम समय में मन क्या हो जाता है, आनंद से विभोर हो जाता है। एक बात और समझना संतों, अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो भी मोह की निशानी है। हम बोलते हैं हमने बच्चों को जन्म ले लिया, मैं माँ बन गई। माँ ऐसे ही नहीं बनते, माँ और बाप मैं खाली बन जाओ ऐसे नहीं होता, कि उनका भी मन सही डायरेक्शन पे जाए, उनका मन भी जागृति की ओर जाए, मेरे से ऐसा कोई कर्म ना होए कि उनका दिशा फिर और गड़बड़ हो जाए। इतनी हर चीज की हमको सुजागी रखनी है। कौन बंदा सुजागी में जा पाएगा, आप बोलो कौन बंदा, जो संसार और माया की दलदल में ऑलरेडी फंसा पड़ा है। पूरी कायनात की स्टेबिलिटी ही साधु संतों से आती है। कौन सा साधु, कौन सा संत? साधु वो ही है जिसने अपने मन पर जीत पाकर अपना जीवन साध लिया, उसको हम बोलते हैं संत। ऐसे चलते फिरते नथु गहरे को आप संत नहीं बोलोगे, किसको बोलोगे संत बाबा? जिसमें से वो शांति की खुशबू आती है, वो अलौकिक प्रेम की खुशबू आती है। प्यारा, वो कौन सा जीवन है जो बात बात पे मेरा मन बिगड़ जाता है, बात बात पे हम किसी को दोष देने लगते हैं, अपनों से ही हमारे अंदर में विक्षेपता आने लगती है। वी आर रेडी टू गेट इरिटेटेड विद अ स्मॉल लैक इन आवर लाइफ। थोड़ा भी मेरे जीवन में कहीं से थोड़ी सी भी कमी को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ और मेरे अंदर से खिच 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 चालू हो जाता है। ऐसा इंसान फिर वो परमात्मा देखता है ना, वो बोलेगा इसको इंसान की योनि देना ही वेस्ट है, वेस्ट है, इसका मतलब ही नहीं है, ये तो वेस्ट करता है अपना मनुष्य जन्म, इसको चलो कोई ना कोई जानवर के ढोकले में डालो, ये शरीर किसी और टोकरी में डालो। एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक कुत्ते को एक शीशे के कमरे में बंद कर दिया, तो वो कुत्ता जहां देखा उसने क्या देखा, उसको और कुत्ते दिखाई दिए, हर जगह उसको कुत्ते 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 दिखाई दिए, क्योंकि वो शीशे के कमरे में बंद था। अब कुत्ते के अंदर में तो अकल तो है नहीं कि अरे वो मेरा ही परिबिंब है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है, वो शीशा है। नो, दैट कैनॉट बी अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ डॉग, देयरफॉर द डॉग है ना, उसने जैसे दूसरे कुत्ते को देखा कि इतने सारे दूसरे कुत्ते हैं कि वो भौंक भौंक के उसकी इतनी ऊर्जा खत्म हो गई कि वहीं पे उसका प्राण त्याग दिया, प्राण उसके खत्म हो गए। हाँ, तो आप और मैं कुत्ते के समान तो नहीं रह सकते ना, तो हमारी वृत्ति भी कुत्ते जैसी है क्या? आया गुरु मेरे द्वारे, मेरे को कुत्ते से इंसान बना दे,
बोला जान पहचान रे तू है कौन, तू पहचान तू है कौन। जैसे शेर ने अपने शेर के बच्चे को देखा गिरड़ों के बीच और उसके मन में करुणा आई और बोला नहीं तू गरज कर, तू शेर है, तू कहाँ अपनी सेटिंग गिदड़ों के बीच में करता है। ऐसे ही आप और मैं ना कुत्ते हैं ना ही गिदड़, हम भी कोई शेर से कम नहीं, क्योंकि मेरा मालिक कौन है, मेरा गुरु कौन है, मुझे बनाए वो आप स्वरूप, उस महा मालिक को मेरा नमस्कार है। आप स्वरूप तो वो मेरे को अपना बनाता है, पर उस पर विश्वास, उस पर श्रद्धा, उस पर चलने की क्षमता मुझे अपने अंदर स्वयं क्रिएट करनी है, क्रिएट करनी है। ऐसे ही संत अंदर ही अंदर आप अपने मन द्वारा इन आंखों से बोलोगे उधर भी मैं, उधर भी मैं, उधर भी मैं, ठीक, लेकिन मेरे गहराई के एहसास में वो बात उतरे कि इस संसार में मेरे ऊर्जा के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। एक ही आत्मा है, एक ही सत्ता है, वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ बोलने वाला भी ना बचे, बस ये एक एहसास है। फिर इन इंद्रियों से जो भी दिखता है उससे भी मेरे को मतलब नहीं, बट डीप डाउन इन ऑल माई लेवल्स इन द स्थूल सूक्ष्म and current in all my three layers of my mind, there is no sense of duality at all. Only the essence of reality is now abiding within. खाली वो ही मेरे अंदर में स्थिर है, और वो क्या है? सत का एहसास। जब उस खुशबू से मेरा तीनों मन जो है भर जाता है, भर चुका है, आप बताओ उस मन को किसी और से क्या डर, किसी और बात से क्या फिकर। इतना सच की पावर है संत कि एक बार वो सीढ़ी हम चढ़ जाते हैं ना, तो नीचे वापस उतरने का रास्ता ही नहीं है। जब झूठ को समझ लिया झूठ है, साफ आंखों से दिखाई दे गया, हर कण पे उसका वास है, मेरा बेटा कौन, बेटी कौन, दोस्त कौन, दुश्मन कौन, ये तो मेरा मन का द्वेष है। जो ये द्वेत की बात को वो पकड़ता है, जब मन से निकल गया सारा झूठ का वहम, जब मन से निकल गया सारी वासनाओं का जहर, जब मन अब किसी और से कुछ चाहता ही नहीं, क्योंकि वो समझ गया कि कोई उसको क्या देगा जो ऑलरेडी उसके पास नहीं है। अब मेरे पास मेरे स्वयं के अनुभव का खजाना मुझको मिल गया, ये संसार पूरा झूठ है। और संसार का झूठ मतलब संसार जो मेरे मन के सार को चूस लेता है। कौन चूस सकता है? एक गलत ख्याल takes me away from my heavenly abode. It takes me away. मतलब कैसे takes me away? बहुत भूखे पेट के आगे थाली जो सच के आती है खाने की, जस्ट खाने से पहले कोई वो थाली को मेरे आगे से हटा ले, पेट भूख से तड़प रहा है, खाने का स्वाद मुख में आ ही चुका था, पर कोई प्लेट ऐसे मेरे मुख से ऐसे आगे से निकाल दे तो मन को कितनी पीड़ा होती है। ऐसे ही एक गलत ख्याल मुझ मन का सार चूस लेता है, ये है संसार। संसार भी मन में है और मेरा सत का सार भी मेरे मन में है। गुरु आकर झूठ का पर्दा हटा देता है, सत का मेरा अनुभव मुझको करा देता है। उस अनुभव को करने के बाद मेरा मन, तीनों मन उस अनुभव से भर जाता है। अब किस चीज से मेरी मुक्ति हो चुकी है? अब बताओ, मांग से मैं मुक्त हो चुका हूँ, चाहत से मैं मुक्त हो चुका हूँ। अरे ये हो जाए, अरे वो ना होता तो बेटर होता, अरे ऐसा हो जाए। किस लेवल पे मैं जी रहा हूँ? मैं कहीं कुत्ते के लेवल पे तो नहीं हूँ कि मैं सच में जो चोला मेरा है मैं उसके लेवल पर ही जी रहा हूँ? अपने से बार बार पूछो,
है ना, किस चीज से मेरा मन हट जाता है, किस चीज से मेरा मन मुक्त हो जाता है, मोह से। मोह मतलब मेरे अपना ही स्वार्थ, क्या बोला, अपना ही स्वार्थ। वो धृतराष्ट्र को भी देखो, अपने स्वार्थ ने बांध के रखा था, वो गंधारी को तो रोशनी भी थी, उसने भी अपने आंखों में पट्टा बांध के रखा था, पर मेरे को वो काम नहीं करना है, मेरे को गुरु ज्ञान से रोशनी भी प्राप्त हो रही है, फिर मैं अपने मोह के कारण अपने आंख में पट्टी बांधूंगा, संत कहां जाऊंगा, कौन आके मेरे को बचाएगा, आप बोलो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट, इस चीज को मुझे स्वीकार करना है कि दुख भगवान ने बनाया नहीं, ये खाली मन का विषय है। ये कैसे मैं इसका अनुभव अगर करता हूं, मेरे को लगता है मैं बहुत दुखी हूं, तो दुख को समझने वाला, जानने वाला, जो जानता है, देखता है, मेरे को बता रहा है, वो कौन है? आप अगर दुखी हो रहे हो तो आप दुखी हो रहे हो, ये जानता कौन है? इस चीज पर ध्यान जरूर देना। दूसरी बात, अगर मन को दुख आपको लगता है, भास रहा है, लेट अस क्लीन इट फ्रॉम द बॉटम, लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। पहले समझ जाओ कि गटर हमारे अंदर ही है, समझ जाओ कि दुख का कारण मैं ही हूं, समझ जाओ कि गटर से भी उठने का ऑप्शन मेरे पास ही है, समझ जाओ कि मन का ही खोखला पना था, मेरे मन के अंदर ही दूसरे पने का भाव था, मेरे मन के अंदर भी चाहत लगी पड़ी है, मेरे को अभी भी लगता है कि मैं जो किरण हूं सूरज का, मैं अपने ही जिंदा, अपने जीवित रहने के लिए मुझे ही बहुत मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह करना है, मेरे को करना है, मैं मेरे को करना है, ये ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। संतों, मेहनत नहीं करो इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, शरीर मिला है सेवा के लिए, खूब सेवा में लगो, ऐसा भान भी बहुत अच्छा है कि मुझे किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, मैं ओन सेल्फ में खड़े रहूं, जो मेरे सामने सिचुएशन आती है, जो मेरी प्रकृति है, जो भी मेरे पिछले किए हुए कर्म का फल मेरे सामने आता है, उससे मेरे को अपने को खाली करना ही करना है। कैसे होगा? बिना शिकायत करे, बिना इधर की बात उधर करे, बिना मन को गंदा करे, मैं लगी रहूं। मन में हमेशा कृपा करना, मन पे हमेशा अपनी ही कृपा करना, जो मन को बार बार सत का अनुभव भी दिलाना। जितना हम मन को सत का अनुभव दिलाएंगे, बोला ना 98% स्पिरिचुअल, 2% फिजिकल, that is the life of a wise man, that is the life of an enlightened soul, that is the life of a seeker, जो जिज्ञासु है, जो उस रास्ते पे चल पड़ा, वो क्या बोलता है, 98% spiritual and 2% physical, ये है अपने ऊपर कृपा करना। टाइम बर्बाद मत करो, अभी का अभी जाग जाओ, अभी का अभी उठ जाओ, अभी देखो सूरज सर पर चढ़ चुका है, अरे हम फिर भी क्यों सोए पड़े हैं। इतनी करुणा लेकर गुरु आता है हमारे दरवाजे पे, उनकी प्रेम और आशीर्वाद की तो कहीं कमी है ही नहीं, पर हम देखें हमारे हाथ पे जो बर्तन है, जो टोकरा है, वो कितना बड़ा है। अगर मैं चम्मच जितना टोकरा लेकर आऊंगा तो उतना ही आशीर्वाद, पर अगर मेरा मन इतना विशाल है, खुला पड़ा है, मेरे बर्तन में कोई सीमा ही नहीं है, तो उनके प्रेम और उनके ज्ञान में भी कोई सीमा नहीं है।